खूबसूरती का राज क्या है फिर? फेयर एंड लवली. फेयर एंड लवली जो है इनकी खूबसूरती का राज है. गोल्डन पर लगा के प्यारी हुई. वही है जो दुल्हन को तैयार करती है, अगले दिन दूल्हा कहता है जब मुंह धुलता है तो भाई कॉलर वाली को बुलाओ. कौन थी वो? जल्दी शादी हो गई थी. जी बचपन में होगी थी. वाकई में? नहीं नहीं. उनकी मुझे एक अच्छाई बताएं एक बुराई बताएं. उनकी अच्छाई एक जो... भी नहीं है. एक भी नहीं है. आपको ऐसा हस्बैंड चाहिए जैसे आपके बाबा? नहीं. ए दुनिया ते एक बार सजना, सानू होया तेरे नाल प्यार सजना, असी ओ समंदर नू कीता पार सजना, जिदी कोई नहीं सी इंतहा सजना, दुनिया पावे लख सतावे, असी छड़ना नहीं तेरा साथ सजना, सानू करदा रवी प्यार सजना, बस प्यार सजना. दो खूबसूरत सी लड़कियां मौजूद हैं हमारे साथ और मुझे समझ नहीं आ रही कौन बेटी है कौन माँ है. मतलब दोनों इतनी फिट लग रही हैं. इनसे गपशप लगाते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम. आप मामा हैं या वो मामा है? मैं मामा हूँ. आप मामा हैं. ठीक है. आप बेटी हैं जी. कितनी देर होगी शादी को भाई? मेरी 18 साल हो गए. तो आपकी खूबसूरती का राज क्या है फिर? फेयर एंड लवली. फेयर एंड लवली जो है इनकी खूबसूरती का राज है. आप उस तरफ नहीं गई 22-31-90 फाइजा ब्यूटी क्रीम? नो. नहीं, नहीं. लेकिन फिर गोल्डन पर लगा के प्यारी हुई. ऐसे बच्चों को कभी कहीं ना लेके जाए, ये मेरी आप लोगों को नसीहत है. ठीक है. लेकिन देखो अच्छी बात है ना, प्यारा रहना चाहिए चाहे कुछ भी करे बंदा. लेजर करवाए या फिर क्रीम लगाए या कुछ भी, है ना. आपका क्या नाम? कायनात. कायनात. और आपका क्या नाम? सोबिया. सोबिया. सोबिया हाउस वाइफ है? हाउस वाइफ. ब्यूटिशियन भी हूँ मैम. अच्छा ब्यूटिशियन भी है जी. ये वही है जो दुल्हन को तैयार करती है, अगले दिन दूल्हा कहता है जब मुंह धुलता है तो भाई पार्लर वाली को बुलाओ. कौन थी वो? है ना. ऐसे क्यों जुल्म करते हैं पार्लर वाले? ऐसी बात नहीं है. आप प्यारा मेकअप करती? जी मैं प्यारा मेकअप. मैंने करवाना हूँ. मोस्ट वेलकम. कहाँ पे आपका सलून? अभी सलून जो है मेरा ये बाजार में है, पास ही है. ठीक है. तो आपने जब आना हो आप मुझे बताइएगा. ठीक है. कभी खुशी होती है जब जैसे लोग आप बाहर आई हैं? मैंने भी कहा कि मामा कौन है, तो मतलब जब आप किसी को इंट्रोड्यूस करवाती हैं कि शी इज़ माई डॉटर, तो कोई यकीन नहीं करता तो मज़ा आता है. हाँ जी बिल्कुल. सब बहनें समझते हैं और समटाइम होता है कि लोग फ्रेंड्स भी समझ लेते हैं और काफ़ी मजाक भी करते हैं कि शायद झूठ बोल रहे हैं सब लोग. जल्दी शादी होगी थी? जी बचपन में होगी थी. वाकई में? नहीं नहीं. अच्छा मैं समझ रही हूँ. वाकई में सीरियस में? कब शादी? 2004 में हुई. 2004 में हुई शादी. जी सही है. चार वो गए और 20 साल होने, मतलब कोई आपके 23-22 साल है ना. जी ऐसे हो गए. ठीक हो गया. अच्छा क्या बनने का इरादा है आपका? मेरा अभी तो फिलहाल डॉक्टर बनूंगी. डॉक्टर बनने का इरादा? कि कौन सी डॉक्टर बनूंगी? मैं स्किन स्पेशलिस्ट. ओहो डर्मा में लड़की जाना चाह रही है भाई, पैसा छापना चाह रही है. मैं आपको बता दूँ जितना पैसा डर्मा में है ना आजकल कहीं भी नहीं. शाइस्ता लोधी कम कमा रही है पैसे. पता नहीं उसका बना. शाइस्ता लोधी, डॉक्टर शाइस्ता लोधी का नहीं पता जो एक्ट्रेस भी हैं और उस वो अपना काम नहीं करती? नहीं मालूम हमें. टिकटॉकर का पता है, मेरी मम्मा टिकटॉकर है ना इसलिए. आप टिकटॉकर हैं? हाँ. सीरियसली? थोड़ी सी बनाती हूँ, इतनी ज्यादा. किस नाम से आइडिया? सोबी शेर के नाम से. ओके जबरदस्त. कितने फॉलोअर्स हैं? अभी तो फिलहाल न्यू आईडी बनी है, 3000 है. 3 दिन हुए हैं अभी बनाई है मैंने. 3 दिन में 3000 फॉलोअर्स? समझ रहे हैं मामा के 3 दिन में 3000 फॉलोअर्स? नॉट बैड. सीरियसली 44.3K लाइक हैं, मतलब कि अभी आईडी पे न्यू फैंस बनना शुरू हो जाएंगे, घर में लोग आना शुरू हो जाएंगे, है ना. सारी चीज़ें फ्री हो जाएंगी, खाना पीना. ये जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, खुद को खुश करने के लिए. प्रोफेशनली? बिल्कुल. कोई हिडन टैलेंट, कोई गाना, कोई शायरी सुना दें. शायरी मम्मा को? शायरी सुनेंगे अच्छी सी. नहीं आप सुनाओ. नहीं आप उनसे भी सुन लेंगे ना. ये पकड़े पंजाबी में पोइट्री है. इस ए दुनिया ते एक बार सजना, सानू होया तेरे नाल प्यार सजना, असी ओ समंदर नू कीता पार सजना, जिदी कोई नहीं सी इंतहा सजना, दुनिया पावे लख सतावे, असी छड़ना नहीं तेरा साथ सजना, सानू करदा रवी प्यार सजना, बस प्यार सजना. जबरदस्त. बड़ी अच्छी शायरी है. कि हस्बैंड के लिए थी? जी ऑफ कोर्स. लव मैरिज हुई थी? नहीं अरेंज मैरिज. उनकी मुझे एक अच्छाई बताएं एक बुराई बताएं. उनकी अच्छाई एक जो... भी नहीं है. एक भी नहीं है. लड़की क्यों बेजुबान सुन लो यार. मतलब
होके ये कह रही हो, अपने उनकी बेटी होके कह रही हो? नहीं मतलब कि मम्मा के साथ अटैचमेंट है ना, तो इस वजह से मम्मा इज बेस्ट। नहीं बहुत अच्छे हैं, बहुत केयर करते हैं। और सेकंड ये कि बुराई बताएं, बुराई बताएं, बात बात पे गुस्सा, बात बात पे गुस्सा। आप बताओ। मेरे लिए तो मतलब कि ठीक है, जिस तरह होना चाहिए। आपको ऐसा हस्बैंड चाहिए जैसे आपके बाबा? नहीं। जब तक बेटी ये ना ना कहे कि मुझे अपने बाबा जैसा हस्बैंड चाहिए तो बाबा अच्छे नहीं होते। नहीं नहीं बहुत अच्छे हैं, सारे लाइफ तो सारे ही हैं, कंप्रोमाइजिंग भी सारे ही हैं, लेकिन एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छे, उस सेंस में कह रही हूँ। अल्लाह ताला खुश रखे आपको अपने मियाँ के साथ, आपको अपने अब्बा के साथ, आपस में सबके साथ। ठीक है, मिलाए हाथ और अल्लाह हाफिज। कैसे बदतमीजी करती हैं? वो तो अगले बंदे पे डिपेंड है ना। बुलाऊं किसी को बदतमीजी करने? नहीं नहीं, तुझे यूं समेट कर रखूं खुद में, तेरी खुशबू बिखरे भी तो फकत मेरी हदों तक। हाय अल्लाह जी, ये किसके लिए था? मुझे लगता है आप गहरे इश्क में मुब्तला हैं। नहीं नहीं। कितने साल में जाके शादी करेगी? 50 की बन गई है? नहीं। एक बहुत खूबसूरत सी लड़की हमारे साथ, इससे गपशप लगाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम लड़की? रूत सुहेल। कुर्तुलैन? नहीं। क्या नाम? रूत सुहेल। रूत सुहेल, रूत बड़ा प्यारा नाम है रूत। थैंक यू। ठीक है रूत, आप खुद भी प्यारी हैं। थैंक यू। बाल काफ़ी हसीन, इतने सिल्की बाल कैसे? बस बचपन से। बचपन से ही सही हो गया। रूत क्या करती हैं आप? स्टडी। क्या स्टडी कर रही हैं? सेकेंड ईयर का पेपर दिया। क्या बनने का इरादा है? बिजनेस। बिजनेस, ओ उलाला, कौन सा बिजनेस करेंगी? अभी तो कुछ पता नहीं। खुद नहीं पता, सही है। अच्छा रूत मुझे बताएं, आपकी एक अच्छी आदत जो आपको पता है और एक बुरी आदत जो आपको पता है। बुरी आदत मतलब अगर कोई बदतमीजी करे तो उसके साथ बदतमीजी करना, और अच्छी आदत यह है कि अगर कोई प्यार से बात करे तो उसके साथ प्यार से बात करना। वैसे मुझे लगता नहीं आप बदतमीजी करती हो, कैसे बदतमीजी करती हैं? वो तो अगले बंदे पर डिपेंड है ना। बुलाऊं किसी को बदतमीजी करने? नहीं नहीं। ठीक है। अच्छा रूत कोई हिडन टैलेंट, कोई गाना, कोई शायरी? मुझे लगता आता है कुछ। इंटरेस्ट नहीं लिया कभी इन चीज़ों में। इनको गाना या शायरी को क्या आता है? सब कुछ आता है ना, ये कुछ सुनाए। ऐसे तो ना होगा कि वापस हाल ही हाथ भेजे कैमरा में, देखेंगे कुछ अच्छा सा छोटा सा सुना। तुझे यूं समेट कर रखूं खुद में, तेरी खुशबू बिखरे भी तो फकत मेरी हदों तक। हाय अल्लाह जी, ये किसके लिए था? किसी के लिए? मुझे लगता है किसी के लिए था। मुझे लगता है आप गहरे इश्क में मुब्तला हैं। नहीं। ठीक है रूत, कैसा लड़का चाहिए? अभी लड़का कैसा लड़का चाहिए बताएं? अभी तो कोई भी नहीं चाहिए। अभी नहीं चाहिए, बाद में सोचेंगे। सही हो गया। एज होगी तब ना। एज होगी, क्या एज है आपकी? 17। 17। कितने साल में जाके शादी करेंगे? 50 की बन गई है? नहीं मतलब जब एज होगी, अभी तो कुछ पता नहीं। ठीक है, कुछ और कहना चाहें देखने वाले को? कुछ नहीं। रूत कोई आपकी ऐसी आदत जो आप छोड़ने की कोशिश कर रही हो लेकिन छोड़ नहीं पा रही? ऐसे तो कोई भी आदत नहीं। कोई आदत नहीं, सोने की भी नहीं? वो सोना तो होता ही है। ठीक है, थैंक यू सो मच रूत, अच्छा लगा गपशप लगा के। थैंक यू। थैंक यू।